त्याग प्यारे राम नाम जपिए। जय श्री राम। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जन्मोत्सव को आज पूरे देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के करोल बाग के 108 फीट ऊंची मूर्ति, हनुमान की जो मूर्ति है उस मंदिर में। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से साज सज्जा जो है वो यहाँ पे की गई है हनुमान जी के जन्मदिन के इस उपलक्ष पर, जन्मोत्सव के उपलक्ष पर। चारों ओर जो है सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल कार्यक्रम जो है वो कल से ही शुरू था यहाँ पे। भक्तों का आना जाना जो है वो कल से यहाँ पे लगा हुआ था। दरबार को बहुत अच्छे से सजाया गया है। मेरे इस ओर देखेंगे तो 56 भोग जो हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं हनुमान जी के लिए। और जन्मदिन के इस उपलक्ष पर, हनुमान जयंती के इस उपलक्ष पर जो भक्तों का यहाँ पे आज सैलाब उमड़ कर आया है, उससे पता चलता है कि भारतवर्ष में कितना आस्था और कितने धर्मों का पालन किया जाता है, सनातन धर्म को किस तरह से माना जाता है। हनुमान जिन्हें कलयुग में भी अवतार माना गया है, जिन्हें श्री राम के एक ऐसे सूचक के रूप में जाना जाता है कि चाहे वो लंका दहन हो, चाहे माँ सीता के लिए लंका तक जाना हो, चाहे श्री राम के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर चलना हो, संजीवनी बूटी तक लानी हो, उन सब चीज़ों से जो है वो जाना जाता है। और आपको बता दें कि हनुमान जी के लिए लाखों करोड़ों भक्त जो है वो हनुमान जी के हैं। मंदिर के महंत ओम गिरी जी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जय हनुमान। ओम गिरी जी, आज जन्मोत्सव है, जयंती है हनुमान जी की, विश्व भर में मनाई जा रही है, क्या क्या आज खास होने वाला है? आज हनुमान जन्मोत्सव है। सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे श्रृंगार हुआ बाबा का, उसके बाद हवन हुआ यहाँ पर, बहुत बढ़िया हवन हुआ। और हवन पे यहाँ आप देख रहे हैं, हवन के बाद 56 भोग जिनके लगने लग गए, जो 56 भोग जहाँ थे जिनके, उनके 56 भोग लग गए। ये निरंतर आ रही है हनुमान दरबार में। हनुमान जी से प्रार्थना करने के लिए आज हनुमान जन्मोत्सव है। आज हनुमान जन्मोत्सव मनाने के लिए ये पब्लिक में इंतहा आ रही है यहाँ पर, और यहाँ सबका स्वागत है। मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा कि क्योंकि आपने भी हनुमान कार्य में आके जो जहाँ पर जो आपका टीवी है सौगंध चैनल, उनने आके जो सेवा की है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है पंडित जी, सुगम अनुग्रह जो चौपाइयाँ हैं, जो हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हैं, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, एक रक्षक के तौर पे हनुमान जी को जो है वो माना जाता है। हनुमान जयंती का मेन विशेषता जो है वो क्या है और कैसे जो है वो पूजन किया जाना चाहिए? हनुमान जयंती मतलब मैडम, आजकल हम हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं, हनुमान जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हनुमान जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरी जहाँ की जनता, पूरी दिल्ली की जनता, बल्कि जहाँ पर जन्मोत्सव मना रही है, और वो आशीर्वाद लेने आ रही है हनुमान जी का कि हनुमान जी हमें आशीर्वाद दो, हमारे परिवार में जो दुख है, जो कलेश है वो ना हो, हमारे दुख का निवारण करो, अन्य प्रकार से दुख है वो निवारण करो, हमारे दुख का निवारण करो भगवान, किस तरह से। आज यहाँ पे ओम गिरी जी नीम करौली बाबा जी की प्रतिमा का भी यहाँ पे जो है स्थापना की जाएगी मंदिर के अंदर। कहा जाता है कि नीम करौली जो है हनुमान जी के अवतार। नीम करौली बाबा बहुत सिद्ध पुरुष थे, मानने वाली बात है कि हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए,
हनुमान जी के साक्षात अवतार थे वो जी। और आज नीम कोरोली बाबा के चित्र का यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। मैडम, हिंदू कभी दंगा नहीं करता जी। हिंदू कभी पत्थरबाजी नहीं करता जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो सदियों से परंपरा चली आ रही है जी। जो हमारी आदि अनंत काल से परंपरा चली आ रही है वो परंपरा तो हमारी माननी चाहिए। आज भंडारे का आयोजन भी है, कब तक जो है भक्तों का आना जाना ऐसे ही लगा रहेगा? आज मंदिर जो है कितने बजे तक खुला रहेगा? क्या आज मंदिर 3-4 बजे तक खुला रहेगा? रात को भी मंदिर खुला रहेगा, भक्तों का आना नंदा जारी रहेगा, तो हम 3-4 बजे तक खुला रहेगा मंदिर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मंदिर के महंत जो है ओम गिरी जी हमारे साथ जुड़े थे। मंदिर की ओर अगर आपको लेके चले, मंदिर परिसर में आपको जो है वो दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे जो हनुमान जी की जो प्राचीन मूर्ति है, अगर उस प्रतिमा की अगर हम आपको दर्शन करवाएं तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे सेवादार जो हैं वो लगे हुए हैं, प्रबंधक कमेटी जो है पूरी तरह से जो है वो अपने कार्यभार को यहाँ पे संभाल के कार्य को संभालने की जो है वो यहाँ पे कोशिश कर रही है। आपको दिखा दें कि पूरी तरह से यहाँ पे आज स्वरूप को जो है वो सजाया गया है। यहाँ पे हम आपको दर्शन करवाएंगे लाइव अपने सौगन टीवी के माध्यम से कि यहाँ पे बाबा जी का जिस तरीके से आज श्रृंगार किया गया, बाबा को सजाया गया और प्रबंधक की जो है वो यहाँ पे जो है पूरी तरह से प्रबंधक कमेटी यहाँ पे जो है वो प्रबंध को जो है वो संभाल रही है। एक बार हम दर्शन करवाएंगे और यहाँ पे दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि बाबा का श्रृंगार जो है वो कैसे किया गया है। आज हनुमान जी का श्रृंगार जो है जिस तरीके से आज किया गया है, बताया जा रहा है कि सुबह जो है 3-4 बजे से ही बाबा का श्रृंगार होना जो है वो शुरू हुआ था। और श्रृंगार के हम आपको दर्शन करवाते हैं कि बाबा को किस तरीके से सजाया गया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।